पुलवामा के बदले के बाद आज सुबह से ही देश में बैठकों का दौर जारी रहा, जहां पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री सभी ने अपने अपने स्तर पर बैठकें की, तो वहीं एक बैठक विपक्षी दलों ने भी बुलाई थी, जिसमें 21 पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में वायुसेना के पराक्रम की तारीफ की गई, तो वहीं तमाम दलों ने इस पूरी घटना पर सरकार को भी घेरा। आम चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दल महागठबंधन की कवायद में जुटे हैं, ताकि 2019 के रण में मोदी सरकार को मात दी जा सके। महामोर्चे को अमली जामा पहनाने के लिए आज भी 21 पार्टियों के प्रतिनिधि एक साथ आए। इस बैठक में यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, शरद पवार, संजय सिंह और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीमा पर मौजूदा हालातों और पुलवामा के बदले पर चर्चा की गई। हालांकि इस मीटिंग में पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय किया जाना था, लेकिन आज के हालातों को देखते हुए मीटिंग का एजेंडा बदल दिया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में तमाम दलों ने जहां वायुसेना की तारीफ की है, तो वहीं सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने पूरे मामले पर राजनीति की है। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया कि तमाम दलों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने शहादत का अपमान किया है। इस वक्त जब देश इन हालातों से गुजर रहा है, ऐसे वक्त में भी पीएम से लेकर तमाम नेता राजनीति करने में जुटे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम द्वारा सर्वदलीय बैठक न बुलाए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को विपक्ष को अपने विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन देश के पीएम तो रैलियां करने में व्यस्त हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।